कई अन्य खिलाड़ियों की तरह यूएस ओपन में इस बार स्वीडन के मैग्नस नॉर्मन को घायल होकर प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। पहला सेट टाई ब्रेकर में 7-6 से गुस्टावो कुअर्टेन को गंवाने के बाद नॉर्मन चौथे चक्र में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मगर फ्रेंच खिलाड़ी सेड्रिक पियोलिन ने 14वीं वरीयता प्राप्त टॉमी हास को 3 सीधे सेटों में हराकर प्रतियोगिता में खलबली मचा दी। उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में क्वार्टिन से है। शीर्ष वरीयता प्राप्त हिंगिस को भी सेमीफाइनल में पहुंचने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। हिंगिस ने जर्मनी की आंका ह्यूबर को 2 सीधे सेटों में आसानी से 6-2, 6-0 से हरा दिया। उधर तीसरी वरीयता प्राप्त वेनस विलियम्स ने मैच में 7 डबल फॉल्ट किए, मगर फिर भी 12वीं वरीयता प्राप्त बारबरा शेट को 6-4, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई।